फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक कार के लॉन्ग टर्म रिव्यू की। और ऐसे वीडियोस मैं अपने चैनल पे अब लाता रहूँगा कि कौन सी कार सेकेंड हैंड मार्केट में भी काफ़ी अच्छी और आपको काफ़ी सही प्राइस में मिल जाएगी, और ये कार की कंडीशन लगभग आपको मतलब एक एश्योरिटी होगी कि ये कार आपको अच्छी कंडीशन में मिलेगी, क्योंकि इस कार की क्वालिटी अच्छी है। या कैसी कार है अगर नहीं लेनी चाहिए तो भी मैं बताऊँगा। तो आज के इस वीडियो में मेरा जो पहली कार मैंने चूज़ की है, जो मैंने वीडियो बनाया जिस पे, वो है मारुति सुजुकी डिज़ायर। मारुति सुजुकी डिज़ायर बहुत अच्छा सेल करती है। फर्स्ट हैंड तो काफ़ी ज़्यादा बिकती है, 20,000 से ऊपर यूनिट्स हर मंथ बिक जाती हैं लगभग स्विफ्ट डिज़ायर की भी। लेकिन सेकेंड हैंड मार्केट में भी जब आप जाएंगे तो स्विफ्ट डिज़ायर की काफ़ी अच्छी डिमांड है, और लोग इसको काफ़ी अच्छे दामों में ख़रीद भी लेते हैं, और जो कस्टमर ख़रीदता है कार को वो भी सेटिस्फाइड रहता है, और जो बेचता है सेलर जो बेचता है अपनी कार सेकेंड हैंड वो भी काफ़ी सेटिस्फाइड रहता है, उसको प्राइस ठीक ठाक मिल जाती है अपनी कार की। और अगर मैं इस वीडियो में इस डिज़ायर की बात करूं तो आप लोग पहले इसके जो मैंने वो लगाई हुई सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, इसके बाहर का कैसा इंटीरियर है, और ये गाड़ी एक्चुअली मेरे नेबर में ही, मेरे बगल में ही है, मेरे कॉलोनी में ही एक लोगों के पास है, और उन्होंने 1.5 साल पहले ख़रीदी थी, और ये कार अब के टाइम पे 38,800 किलोमीटर चल चुकी है 1.5 साल में, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है कि 1.5 साल में कार काफ़ी चली। और ये डीजल वेरिएंट है VDI, जो सबसे ज़्यादा बिकता है सेकेंड हैंड मार्केट में, इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है VDI वेरिएंट की, लोग ख़रीदते हैं इसको काफ़ी अच्छे से। तो ये कार अभी चली हुई है 38,000 किलोमीटर, और इसमें कितना खर्चा आया और क्या है ये सब मैं आप लोगों को बताऊँगा, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोग भूल जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। नीचे रेड कलर का बटन है, अभी दबा दीजिए, और मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोग को इसके एक्सटीरियर्स दिखाता हूँ और इसकी थोड़ी ड्राइविंग दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करता हूँ इस कार की कंडीशन कैसी रहेगी और कार मुझे कैसी लगी। तो चलिए पहले कार देखते हैं। तो अब मैं आप लोगों को इसके एक्सटीरियर की क्वालिटी दिखा देता हूँ कैसी है 1.5 साल के बाद। तो यहाँ पे इसमें कुछ एक्सेसरीज़ लग रखी हैं, जैसे ग्रिल में आपकी क्रोम लगी हुई है, और बाकी थोड़ी क्रोम बाहर से भी लगवाई गई, बट कलर का थोड़ा फेड हुआ है कलर, और यहाँ पे छोटे मोटे डेंट्स बहुत ईजिली इस कार पर पड़ गए हैं, जो कि मैंने देखा है 1.5 साल में। यहाँ पर एक बच्चे ने साइकिल मारी थी ला के, और यहाँ पर पूरा यहाँ डैमेज हो गया था एरिया, और यहाँ नीचे से थोड़ा सा डोर भी डिसलोकेट हुआ था, ये यहाँ भी एक अच्छा खासा डेंट पड़ गया है साइकिल के हिसाब से, काफ़ी ज़्यादा है, और पीछे का बम्पर भी उसी साइकिल से लगते हुए गया है। तो एक्सटीरियर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कार के साथ, और व्हील्स ठीक ठाक हैं, अभी चलने लायक हैं, और रेयर से कार ठीक है, क्योंकि एक बार पूरा एक्सीडेंट हुआ था तो ये पूरा चेंज हुआ है। तो यही सब है इसका। और यहाँ पे अगर साइड से इस लेफ़्ट साइड से देखा जाए तो लेफ़्ट साइड से बस छोटे मोटे स्क्रैचेज हैं, और यहाँ पे भी थोड़ा एक डेंट है, और बाकी तो कार ओके ही है। तो मैं बात करता हूँ कार के इंटीरियर्स की। तो इंटीरियर में कार ठीक ठाक है, लेकिन क्वालिटी जो है थोड़ी सी लो लगी मुझको, क्योंकि 1.5 साल के अंदर ही कार में इंटीरियर में काफ़ी सारे स्क्रैचेस दिखे। और यहाँ पे अभी मैं माइलेज शो कर रहा था कार का, तो माइलेज 15.4 का शो कर रहा है इस वक्त मुझे सिटी में, तो 15.4 डीजल कार के हिसाब से ठीक है। AC ऑन था कार का, और यहाँ पर आपको जो म्यूज़िक सिस्टम मिलता है उसमें आपको ब्लूटूथ, ऑक्स, USB और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं देखने को। और इसमें आपको फ़ोन से भी आपकी कनेक्टिविटी हो जाती है, तो आप इससे कॉल भी लगा सकते हैं, उठा सकते हैं, काट सकते हैं, और इसमें CD प्लेयर भी आप लोगों को देखने को मिलता है, और इसमें रेडियो भी देखने को मिलता है। बट ये बेसिक सा है, इसमें टच स्क्रीन आपको नहीं आता है, टच स्क्रीन दिया जाता तो ज़्यादा बेटर होता। AC इसमें मैनुअल मिलता है, ऑटोमेटिक नहीं मिलता है VDI में, और गेयरबॉक्स मैनुअल है, मैनुअल गेयर वाली कार है, AMT भी आता है इस कार में। एंड इसकी स्टीयरिंग व्हील मुझे लाइट लगी, उतनी रिस्पॉन्सिव नहीं है हाई स्पीड पे, लेकिन सिटी के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है। इससे आप कॉर्नरिंग करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बट ठीक ठाक है। और अगर मैं आपको कितने किलोमीटर्स कार चल चुकी है तो आप देख सकते हैं 38,898 किलोमीटर्स कार चल चुकी है, जो कि ठीक ठाक है। और इंजन इस इतने चलने के बाद भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में था, जो कि मैंने अभी चलाया,
और बाकी बातें मैं आपसे करता हूँ फिर। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, अभी लास्ट क्लिप में, कि कार को मैंने कंडीशन दिखाई, मैं ड्राइव कर रहा था कार को, लेकिन मैं उस वक्त रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मेरे माइक की बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो हुआ ये था कि कार की, अगर इंजन की कंडीशन की बात करूँ, मैं 38,000 किलोमीटर चल चुकी, 39,000 होने वाली है। अभी तक कार की दो सर्विसेज जो है वो फ्री वाली थी, तो वो उसमें लेबर कॉस्ट नहीं ऐड था, तो उनमें जो प्राइस थी वो लगभग 2,000-3,000 के अप्रॉक्स आई थी एक सर्विस की। और अगर मैं बात करूँ पेड सर्विसेज की, तो पेड सर्विसेज कार की एक 20,000 पे हुई थी और एक 30,000 पे हुई थी, और अभी एक 40,000 वाली ड्यू है। तो पेड सर्विस जो है मुझे सस्ती नहीं लगी, मैं आप लोग को एकदम ट्रू चीज़ बता रहा हूँ, सस्ती नहीं लगी मुझे उसकी पेड सर्विस। क्योंकि जहाँ तक मैंने अंकल से बात की और उनसे बिल्स देखे, तो एक बिल बना था उनका 6,000 समथिंग का, जो कि फिर भी टॉलरेटेबल था। लेकिन जो 30,000 वाली सर्विस का था, उस पे उनका बिल बना था 10,000 रुपीज़ का। सर्विस कॉस्ट कार की ठीक ठाक है, काफ़ी कुछ कम नहीं लगी मुझे ऐसी कुछ, और जो कि जितनी कम होनी चाहिए एक मारुति की कार के हिसाब से। क्योंकि मारुति का यही मोटो रहता है कि वो अपनी कार को वैल्यू फॉर मनी रखें और उसकी सर्विस सस्ती से सस्ती रखें। लेकिन ऐसा इस कार के साथ नहीं दिखा मुझको। जब इतना ज़्यादा बिल आ रहा है, तो आपके लिए फॉक्स वैगन की भी कार आप रख सकते हैं इजीली। अगर आप मारुति खरीद के डिज़ायर के 10,000 दे रहे हैं, तो आप फॉक्स वैगन की कार्स भी रख सकते हैं, स्कॉडा की भी रख सकते हैं, जिनकी कम सर्विस कॉस्ट लोग सोचते हैं काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जब इन कार्स की इसके बराबर पहुंच जाएगी सर्विस कॉस्ट, तो ये चीज़ नहीं अच्छी है। और अगर कार की मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, जो कि इश्यूज़ आ रहे हैं और काफ़ी सारे वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं, मैंने खुद बनाया है एक वीडियो, तो बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड इशू तो है कार में। क्योंकि कार जब मैं चला रहा था, पॉट होल्स पे जा रही थी कार, ब्रेकर्स पे जा रही थी, जब मैंने राइड क्वालिटी टेस्ट करने के लिए कार को थोड़ा ख़राब सड़क पे चला के देखा, तो कार की मतलब सस्पेंशन सेटअप तो अच्छे थे, मतलब कार में आपको झटके नहीं फील हो रहे थे, वो काफ़ी अच्छे से सोख कर ले रही थी झटके। लेकिन कार में जो दरवाजे बजने की आवाज़ थी ना, दरवाजे बज रहे थे कार के, और वो भी 1.5 साल के अंदर। 1.5 साल कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं होती इतनी महंगी कार के लिए, मतलब ये कार बहुत सस्ती भी नहीं आती इंडियन मार्केट में। 8-8.5 लाख रुपए की आपको VDI वेरियंट नहीं मिलती है लगभग ऑन रोड प्राइस पे, तो ये कोई कम रकम नहीं होती। इतने पैसे देके अगर आप कार खरीदते हैं, तो कम से कम वो कार बजनी तो नहीं चाहिए ऐसे। वो कार बज रही थी और 40,000 किलोमीटर ही लगभग अप्रॉक्स चली है, अगर राउंड फिगर में मैं कर दूँ ऐसे, 38,000 समथिंग चली है कार। तो अगर इतने ही किलोमीटर चली है, किलोमीटर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं कि कार के दरवाजे बजने लगे, लेकिन उसके दरवाजे बज रहे थे और वो आवाज़ अनोइंग थी। तो उससे पता चलता है कार की बिल्ड क्वालिटी से इशू तो है, वरना ऐसे दरवाजे नहीं बजते। और उसका अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूँ, जब कार नई आई थी एकदम शोरूम से, तब तो कार का डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा दिख रहा था और एकदम शाइन कर रहा था और कलर्स भी काफ़ी ब्राइट थे। लेकिन 1.5 साल के बाद जब उसको एज होती गई, 1.5 साल बीता, वो कार का जो डैशबोर्ड है उसके कलर थोड़े से डल पड़ गए, और वो जो वुडन फिनिश उन्होंने दी थी, जो देखने में काफ़ी हाई फाई लगती है आजकल लोगों को, वुडन बहुत पसंद आता है, इसीलिए उन्होंने दिया अभी कार में अट्रैक्शन के लिए। लेकिन वो ओरिजिनल वुड तो था नहीं, आर्टिफिशियल था, और वो भी काफ़ी चीप क्वालिटी का। तो वो वुड भी जो है ना, उसका कलर ही अजीब सा हो गया, वो वुड लग ही नहीं रहा, वो कुछ और ही लग रहा है अजीब सा, उसका ब्राउन कलर जो है वो फेड हो चुका है। तो वो कलर जहाँ जहाँ वुड है, वो डैशबोर्ड पे अब नहीं अच्छा लग रहा है। जब कार नई आई थी तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के, लेकिन उसका कलर ऐसा हो गया कि अब वो उसको मुझे वो अच्छा ही नहीं लग रहा उस कार में। तो ये सब कुछ इश्यूज हैं कार में बिल्ड क्वालिटी को लेकर के। लेकिन कार ओवरऑल अगर आपको सेकेंड हैंड मार्केट में मिलती है, तो आप खरीद सकते हैं 3 से 5 लाख तक के बजट में, और कार में आपको मतलब कोई भी ऐसा बहुत मेजर इशू नहीं आएगा। हाँ, इंजन में थोड़ी सी क्लैटरिंग है, नॉइज़ है, माइलेज ठीक ठाक दे देता है, लेकिन आपको सिटी में टर्बो लैग काफ़ी देखने को मिलता है। तो टर्बो लैग इतना ज़्यादा है इस कार में, 2,000 RPM के नीचे कार उठती नहीं है बहुत अच्छे से। आप पूरा एक्सेलरेटर भी दबा देंगे तो इंजन बहुत धीरे 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 पिक करता है, तो आपको हाई RPM से कार चलानी पड़ेगी। आप फर्स्ट और सेकेंड गियर में ही कार चला पाएंगे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। अगर आप थर्ड गियर डाल देते हैं और आपकी स्पीड 20 तक आ गई है, तो आपने फिर, आप पेट्रोल कार होती है कोई अदर डीजल कार भी होती, तो वो उठ जाती कुछ भी करके। लेकिन इसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेती है ये, आप पूरा एक्सेलरेटर भी दबा देंगे तब भी वो थोड़ी देर के बाद ही रिस्पॉन्ड करती है, तो ये एक प्रॉब्लम है। और अगर आपको माइलेज अच्छा चाहिए, तो आपको थोड़े हाई गियर्स पे चलानी पड़ती कार, तो थर्ड गियर में आप चला नहीं पाएंगे, फर्स्ट सेकेंड गियर में आप चलाएंगे तो उससे माइलेज भी थोड़ा कम होगा, और इंजन में नॉइज़ भी ज़्यादा है, तो हाई RPM पे चलाएंगे तो आपको कैबिन में नॉइज़ भी ज़्यादा फील होगी।
तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, बट माइलेज फिर भी कार 15 to 16 ईजीली आपको सिटी में दे देगी। अगर आप कैसे भी चलाते हैं 15 to 16 आप आराम से निकाल लेंगे, उससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप इजीली 15 to 16 प्रैक्टिकल कंडीशन में निकाल लेंगे। और हाईवे पे 20 से 22 तक का ईजिली निकाल लेंगे, और अच्छे से आप चलाते हैं 24 to 25 भी निकल सकता है इस कार से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो माइलेज काफ़ी अच्छा देती है कार, लेकिन जो टर्बो का किक इन है वो भी नहीं अच्छा लगता, वो झटका देता है एकदम अचानक से, तो वो भी नहीं अच्छा लगता। बट कार ओवरऑल सेकेंड हैंड मार्केट में ख़रीदने के लिए काफ़ी अच्छी है। तो आप अगर इस कार को ख़रीदना चाहते हैं सेकेंड हैंड मार्केट में, 3 से 5 लाख के बजट में कार मिल जाती है, कंडीशन पर डिपेंड करता है और कितने किलोमीटर चली है। तो नई वाली जनरेशन की जो बिक्री सेकेंड हैंड कार्स, वो अभी 3 से 5 लाख के बीच में मिल रही है जहाँ तक मैंने देखा है, उससे नीचे कोई मुझे डिज़ायर नई जनरेशन वाली नहीं देखी है। पिछली जनरेशन वाली डिज़ायर आपको 3 लाख से कम में भी देखने को मिल जाएगी अब, तो वो भी आप ले सकते हो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इंजन और बाकी सारी चीज़ें लगभग उसमें भी सेम ही है। तो आपको वो कार भी सस्ते में मिलती है, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये वाली लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। और आपको और कौन सी कार पे ओनरशिप रिव्यू और आपको और कौन सी कार पे ओनरशिप रिव्यू देखने है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए एंड सेफ चलिए। गुड बाय।